स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। सम हो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आज हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जैसे आपने एपी करी थी, एपी में क्या करते थे हम, एक ही नंबर सब में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस या तो पॉजिटिव आता था या नेगेटिव आता था। अब यहां पर हमने डिवाइड करना है, वहां पे हमारा माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे, यहां पे हमने डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकालनी। जब डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो बन जाएगी। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अ सीरीज इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू द प्रीसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होती है, हुण जैसे आप पहले किया था कि फर्स्ट सेकेंड को, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया था, है ना। हम 6 माइनस 3 करते थे तो 3 आ जाता था, बट नहीं, अब हमने क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड करके देखेंगे कि अगर 6 को मैं 3 से डिवाइड करूं और 12 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर सेम आता है या नहीं। तो ये मैंने आपको कल भेजा भी था कि अब मेरे पास अगर ये एक सीरीज है 3 + 6 + 12, ठीक है, +24। अब यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंस, अगर आपको कहा जाए कि ये बताओ कि एपी है कि जीपी, एपी से तो हमें पता चल रहा है कि 6 - 3 = 3 आ गया, बट 12 - 6 जो हुआ वो 6 आया, तो ये एपी तो नहीं हुई। अब मैं चेक करूंगी कि क्या ये जीपी है। जीपी के लिए क्या है, a2/a1, क्योंकि ये आपका a1 जो a के इक्वल होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये a4 होता है, है ना, ऐसे ही लेके चलते हैं ना, ठीक है। तो ये a1a, ठीक है, तो a2/a1, a2 की वैल्यू क्या है, ये 6, a3 की, a1 की वैल्यू क्या है 3, इसको डिवाइड करा 2। अब अगला a3/a2, a3 की वैल्यू क्या है यहां पर 12 / 6, आंसर क्या है 2। ऐसे 24 को डिवाइड करोगे 12 से 2, तो अब देखो यहां पर ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। जब हम किसी दो चीजों को डिवाइड करके देखते हैं आंसर सेम आ रहा था, तो उनको क्या कहा जाता है, कॉमन रेशियो। और इसको हम लिखते हैं आर से, जैसे वो डी से लिखते थे ना कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन रेशियो को हम किससे लिखेंगे, आर से। मतलब कि आर किसके इक्वल होगा, a2/a1 इज इक्वल्स टू a3/a2 अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर ये सेम आ जाता है, अगर आर आ जाता है तो हमारी जीपी है। जैसे वहां पे डी पे डिपेंड करता था, डी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा तो वो एपी है, वैसे यहां पे आर अगर इन दो रेशो, कम से कम इन दो रेशो से वैल्यू सेम आ रही होगी तभी वो जीपी होगा, ठीक है। तो अब फिर मैंने लिखा था आपके लिए जनरल टर्म, जनरल और एनथ टर्म, यहां पे हम उसको डिनोट करते हैं arn-1, arn-1। तो वैसे t1 के लिए क्या लिख लेंगे, r को 1-1 लिखा था तो r नॉट, किसी की भी पावर 0 तो 1 होती है, तो a, तो t1 किसके इक्वल आ गया, a के। t2, अब r में की वैल्यू क्या है, यहां पे मतलब कि t2 लिखा, मतलब कि n की वैल्यू 2 होगी, t2 में क्या हुआ है, n की वैल्यू जब 2 पुट करी तो ये 2-1 हो गया ar, ठीक है। तो t2 क्या गया, ar, मतलब कि इसकी एक पावर कम चलेगी, जितना n होगा उससे r की पावर 1 कम आएगी, तो यही हमारी जनरल टर्म बनती है। जितनी भी n की वैल्यू होगी r की पावर उससे 1 कम आएगी। अगर मैं t5 ले लेती हूँ, मतलब कि n = 5, तो ar 5-1, तो क्या बन गया, ar 4। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो कैसी बन जाती है, तो जीपी सीरीज कैसे बनती है, a r square a r cube अप टू सो ऑन इज अ जीपी सीरीज, ठीक है। और स्टैंडर्ड जीपी कैसे लिखते हैं, और a + a r + a r square + a r cube, ये दोनों ही मेथड, ठीक है। प्लस का साइन भी आ सकता है, कॉमा भी आ सकता है, इसको जीपी कह लो, स्टैंडर्ड जीपी कह लो, ठीक है, एक ही बात है। अब मैंने कल आपको एक एग्जांपल प्रूव करके दिखाया था कि अगर ए बी सी जीपी में है तो हमने प्रूव करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं कि ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, जीपी इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा, जब b/a c/b के इक्वल होगा, यही कंडीशन है ना कि b/a must be equal to c/b, तभी वो जीपी में है,
ये इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है, किसका साइन होता है, इफ एंड ओनली। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको इससे, तो क्या बन जाएगा, बी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू ए, बी इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यही मैंने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपना, फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ द सीरीज। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये, अपने सेवंथ टर्म निकालनी है। तो पहले ए क्या है, 1/2, ठीक है। आर क्या होगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/3 2 ऊपर चल गया, आर की वैल्यू आ गई 2/3। दूसरे को भी डिवाइड करके देखा 2/9। कम से कम है दो नंबर्स को दो बार हमें रेशो निकालनी जरूरी है, दो बार रेशो सेम आएगी तभी हम उसको जीपी सीरीज कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट टाइम ये निकाल ली, सेकंड टाइम निकाल ली, दोनों से क्या आ गई 2/3। अब दोनों से 2/3 आई आर की वैल्यू, मतलब क्या है, ये एक जीपी सीरीज है। अब उसने मुझसे पूछा सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म मतलब मेरे को T7 निकालना है। तो आर एन की वैल्यू 7 रखी, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 रह जाएगी। आपने इसको 2/6/3/6, यहां से ये कैंसिल हुआ एक, तो 5 रहेगी, 2/5/3/6। आप चाहे यहां पर छोड़ दो, चाहे इसको सॉल्व कर लो, ये आपके ऊपर है। थैंक यू। तो ए सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखनी है, जैसे वहां पे ए लिखते थे, फिर हमने आर निकालना है, आर निकाल कर देखना है क्या वो सेम आ रहा है। अगर वो दो रेशोज निकालने के बाद आर सेम आता है तभी वो जीपी है, जैसे यहाँ पे 2/3 और 2/3 आया है, तो ये क्या है, एक जीपी सीरीज है। उसके बाद हम सेवंथ टर्म पे पहुंचेंगे, पहले ए फिर आर फिर हमारी जनरल टर्म, और उसमें एन की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।